हेलो गाइस, मेरा नाम है तक्षित भारती। आप देख रहे हैं कोटेक और आज बात करने वाले हैं रैम्स के बारे में। तो आपने ज़रूर से ऐसा सुना होगा कि मेरे फ़ोन में है 4 GB रैम, मेरे लैपटॉप में है 8 GB रैम और मेरे डेस्कटॉप में है 16 GB रैम। तो ऐसे क्यों है कि हमें जितनी ज़्यादा पावर चाहिए हम उतनी ज़्यादा रैम प्रेफर करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या? तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए खास है जो कि टेक्नोलॉजी को अंदर से जानना चाहते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से जानकर नहीं छोड़ना चाहते बल्कि एक्चुअल में वो कैसे काम करती है उसको जानने में इंटरेस्टेड है। तो अगर आप भी मेरी तरह एक टेक्निकल फ्रीक हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी आपकी तरह और मेरी तरह। तो हम बात कर रहे हैं रैम्स के बारे में, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जैसा कि इसमें नाम में ही आपको पता पड़ रहा है कि ये रैंडमली एक्सेस करेगा मेमोरी को। ना व्हाट इज मेमोरी? तो मेमोरी जो होती है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारे पास, HDD होती है या फिर SSD होती है। इन दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर से मैं आई बटन पर इनकी वीडियोज़ दे दूंगा और आप ज़रूर से दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए और पता कर लीजिए कि कैसे काम करती हैं। और उस काम को अगर आप जान लेंगे उसके बाद ही आप इससे उसे लिंक कर पाएंगे, यानी कि रैम्स को आप उन चीज़ों से HDD और SSD से जब लिंक कर पाएंगे, जान पाएंगे कि वो कैसे काम करती हैं, तभी आप एक रैम को अच्छे विजन से देख पाएंगे। तो कैसे काम करती है रैम? तो हमारे पास सबसे फास्टेस्ट जो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर चीज़ होती है वो होती है हमारे पास CPU। तो बेसिकली अगर दो चीज़ें काम कर रही हैं तो उस काम के कंप्लीट होने की स्पीड डिपेंड करती है स्लोअर पे। जैसे कि अगर दो लोग हैं वो एक दीवार खड़ी कर रही है, लाइक मैं है एक बंदा और है, मेरा काम है दीवार बनाना, ईंटें रखना, और दूसरे बंदे का काम है ईंटें मेरे को ला के देना। नाउ अब मैं एक मिनट में मान लो 10 ईंटें रख रहा हूँ और वो एक मिनट में 20 ईंटें ला के दे रहा है, तो पहले मिनट में क्या होगा? वो उसने पहले मेरे को सबसे पहले तो वो ला के देगा, तो पहला मिनट ये हो गया। फिर दूसरे मिनट में क्या होगा? मैंने 10 ईंटें लगा दी होगी और वो 20 और ईंटें ले आया होगा, तो पहले जो 20 लाया था उसमें से 10 बच गई और 20 और ले आया। फिर उसके बाद मैंने तीसरे मिनट में 10 और ईंटें लगा ली और वो 20 और ले आया, यानी कि अब मेरे पे टोटल 50 ईंटें हैं, 20 लग गई हैं, और वो ऐसा ही चलता रहेगा और वो सारी ईंटें ला के यहाँ पर ख़त्म कर देगा, बट काम अभी भी पूरा नहीं होगा क्योंकि मेरी स्पीड जो है वो स्लो है, उसकी स्पीड फास्ट है। तो अगर कोई भी इंसान, यानी कि आप अगर पूछेंगे इस दीवार को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, क्या वो डिपेंड करेगा उस बंदे पे या मेरे पे? तो वो मेरे पे डिपेंड करेगा क्योंकि मैं बना रहा हूँ, मैं धीमे हूँ, वो कितना तेज़ है मेरे को उससे मतलब नहीं, बट जो धीरे वाला है उस पे स्पीड डिपेंड करती है। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे को कोई भी प्रोसेस करना होता है तो वो सारा काम जो है हमें CPU को देना पड़ता है और CPU से प्रोसेस करता है। ना हमारे पास जो HDD होती है या SSD जो होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये बेसिकली हमारे पास डाटा वेयर हाउस की तरह काम करती है, मतलब डाटा खाली वहाँ स्टोर है। अगर मैं डायरेक्टली उनसे हमारे CPU को डाटा प्रोवाइड करने लग गया तो आप भूल जाओ, आपका काम होगा बहुत घंटे, बहुत जन्म लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ही हमारे पास आया है एक रैम का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो हार्ड ड्राइव में सामान है वो उस एप्लीकेशन जो हमारे CPU पर रन कर रही है, जो हम रन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा होता है वो लोड कर देता है हमारे पास रैम्स के अंदर में। अब वो लोडिंग कैसे होती है, वो ऑन द फॉर्म ऑफ पेजेस होती है, उसके बारे में मैं आपको कभी फुर्सत से बताऊंगा पेजेस कैसे वर्क करते हैं और क्या होते हैं, बट अभी मैं बता रहा हूँ वो डाटा लोड होता है रैम्स के अंदर। नाउ रैम और CPU अब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये इतना सा सिर्फ फर्क पड़ेगा कि अगर मैं उन दोनों के, हमारे पास मैंने भी आपको एग्जांपल दिया और बता दिया कि कैसे स्लो पे डिपेंड करता है, तो सिमिलरली हमारे पास हार्ड ड्राइव जो है बहुत स्लो होती है, CPU बहुत फास्ट होता है, अगर इन दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफर होगा तो हमारा डाटा की जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो बेस करेगा हमारे पास HDD पे, हमारे पास हार्ड ड्राइव पे डिपेंड करेगा। बट वहीं पे अब हमने एक्शन में ला दिया है रैम्स को, तो रैम मच 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 फास्टर होती है देन हार्ड ड्राइव। तो यही होता है, हमारे पास हार्ड ड्राइव से डाटा लोड होता है रैम में एंड रैम और CPU आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एप्लीकेशन को जो भी रिक्वायरमेंट होती है रैम से ले लेता है, क्योंकि रैम के अंदर हमने एक उस डाटा की कॉपी बना ली है। अब आपको एक बात पता होगी, अगर आप बोलेंगे कि डाटा मैंने दो सॉफ्टवेयर चला ली है तो मेरी रैम फुल हो जाएगी, अब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि रैम जो है वो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, कि मैं उसमें अगर कोई भी डाटा स्टोर करने की कोशिश करूंगा वो नहीं होगी, वो होगी फॉर द टाइम बीइंग। इट्स वॉलेटाइल इन नेचर। ना वॉलेटाइल का क्या मतलब है, जैसे ही लाइट ऑफ होगी, इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, मेरी रैम क्लीन हो जाएगी, जो भी उसमें डाटा है वो सब खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा भी अगर बंद नहीं भी कर रहा हूँ मैं और काफ़ी टाइम से चल रही है, तो डाटा ओवरराइट होता चला जाता है,
ठीक है, और जैसे ही मैं सिस्टम शट डाउन करूंगा, टर्न ऑफ करूंगा, वो सारी रैम क्लीन हो जाएगी, उसमें पुराना कुछ भी डाटा नहीं होगा। बट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो सिर्फ एक मीन्स है ताकि मेरा सिस्टम फास्ट वर्क कर पाए। ऐसे हमारा रैम जो है इनटू प्ले आता है और ऐसे वो हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ाता है ना। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें 16 GB रैम की ज़रूरत है, 32 GB 64 GB भी आती है रैम, तो क्या उनकी ज़रूरत है? तो नहीं। अगर आप एक मीडियोकर या लेस देन मीडियोकर यूज़र हैं तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बिकॉज रैम में एक्चुअल में होता क्या है कि रैम क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन जो भी चलेगी उसका डाटा लोड कर लेगा रैम में ताकि फास्टर एप्लीकेशन चले और हम क्लिक करने के बाद घंटों ऐसे करके बैठना ना पड़े कि अब होगी ऑन, होगी ऑन, होगी हाँ प्रोसेस होगा होगा, नहीं, वो फटाफट काम होता है अगर वो रैम में ऑलरेडी टास्क है। तो कम रैम है अगर तो भी आपको हो सकता है आपकी यूजेज के ऊपर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिले, और आपके पास अगर 16 GB रैम है तो भी आपके यूजर्स के ऊपर हो सकता है कि आपको परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना मिले। जैसे कि अगर सिंपल सी मैं बात करूँ, अगर आपको मैं नंबर्स देने की कोशिश करूँ, तो अगर आप विंडोज 10 चला रहे हैं तो उसमें 4 GB रैम है। उसके अलावा आप गेमर नहीं है, मीडियोकर मल्टीटास्किंग करते हैं, आप वर्ड चला लिए, गाने चला लिए, यूट्यूब चला लिए, ब्राउजर चला लिया, ऐसे ऐसे करके 4-5 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं आपके और आपके विंडोज 10 पे सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, तो 8 GB रैम आपके लिए सफिशियंट होगी। उसके अलावा अगर आप गेमर हैं तो गेम्स में तो 16 GB आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि अगर आप 4 GB विंडोज 10 पे दे देते हैं और उसके अलावा आपके पास 12 GB जिसमें से कोई सिस्टम रिजर्व भी होता है, वो सब काटने के बाद आपके पास कोई भी एक सिंगल गेम सिंगल वर्क एट अ टाइम बढ़िया से हो जाएगा। आप गेम खेल रहे हैं चाहे GTA 5 खेले, बढ़िया से HD ग्राफिक पे मस्त चलेंगे। वहीं पर अगर आप आता है हेवी यूजर, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं हेवी यूजेज करता हूँ, तो हेवी यूजेज में क्या होता है कि मैं हेवी सॉफ्टवेयर, मल्टीपल हेवी सॉफ्टवेयर्स एट अ टाइम रन करता हूँ, तो मेरा सिस्टम में 8 GB रैम थी, उस पर चल जाता था, बट एट अ टाइम मल्टीपल सॉफ्टवेयर खोलने के बाद मेरा सिस्टम जो है बहुत स्लो हो जाता था, तो इस वजह से मेरे को 8 GB मेमोरी स्टिक इंस्टॉल करनी पड़ी अपने लैपटॉप में, इसलिए ये ज़रूरी है। तो आपका डिपेंड करेगा आपके यूजेज पे, अगर आप मीडियोकर है, गेमर नहीं है, तो आपके लिए 8 GB सफिशियंट रहेगी, अगर आप गेमर हैं तो 16 GB सफिशियंट रहेगी, और गेमर नहीं है हैवी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं तो भी 16 GB, और अगर आप हैवी सॉफ्टवेयर में मल्टीटास्किंग करते हैं कि बहुत सारे हैवी सॉफ्टवेयर्स एट अ टाइम चल रहे हैं, या फिर आपको कुछ अलग ही काम करना है, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटिंग या AI एल्गोरिथम्स काइंड ऑफ काम करना है आपको, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी पावर लगेगी। बट 90% लोगों को 16 GB से ऊपर रैम की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो कितनी हैवी गेम खेलें। तो यही सब था रैम के बारे में जानना, एक ब्रीफिंग दे देता हूँ मैं आपको। हार्ड डिस्क से गया रैम के अंदर, रैम और CPU ऑपरेट करेंगे, क्योंकि रैम की स्पीड हमारे पास HDD से ज़्यादा होती है, इसलिए अब हमारा सिस्टम जो है काफ़ी फास्टर वर्क करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर HDD डायरेक्टली CPU के अंदर ट्रांसफ़र करेगी। तो यही सिंपल है रैम का फंडा, ऐसे रैम काम करती है। हमने आज जाना रैम के बारे में। अब रैम और CPU के बीच में आप ये मत सोचिएगा कि खाली ये ऐसे ही वर्क करता है, ये ऐसे वर्क करता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि HDD से रैम में गया, ठीक है, और रैम और CPU वर्क कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था HDD से CPU कैसे वर्क करेगा, अब मैं रैम से CPU कैसे वर्क करेगा। रैम से भी फास्टर दो चीज़ें होती हैं जो इनके बीच में लगी होती है स्पीड को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए, तो वो इनके बीच में है, उनकी वीडियो भी मैं जल्द दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं फिर।